आइए दोस्तों, रामधाम पार्ट टू में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए कितनी सुंदर चरण पादुका थी और ये भगवान गणपति के सहस्त्रमुख के दर्शन हुए हमें, कितना खूबसूरत है। ऊपर में शेषनाग जी विराजमान हैं और भगवान शंकर दिखाई दे रहे हैं, गंगा अवतरण जैसी मुद्रा दिख रही है, नंदी महाराज भी है, कुछ देवियाँ हार समर्पित कर रही है। सामान रखने के लिए और अपने चप्पल जूते वगैरह रखने के लिए स्थान दिया गया है। सर्वत्र रंग बिरंगा दिख रहा है, बहुत सुंदर है ये पार्ट टू, रामधाम पार्ट टू। ये मंसर में महाराष्ट्र में है, नागपुर ज़िले में आता है ये। वाह क्या बात है, अलग अलग एंट्रेंस है। यहाँ से जाने से सीताराम जी आदमकद स्थिति में खड़े हैं। इसके पीछे में अगर कोई शादी ब्याह का आयोजन होता है तो उसके लिए भी स्थान है। यहाँ से चलेंगे अपन, आगे जाने पर अपन देखेंगे भगवान गणपति के विविध रूप, अलग अलग तरीके के रूप, छोटे रूप, बड़े रूप, रंग बिरंगे रूप। एक रास्ता उस साइड से भी है, पुजारी जी सामने चल रहे हैं और वे अंदर कमरे की ओर हमें ले जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर गणपति बप्पा का मूर्ति है, वाह, आसमान से फूल झड़ रहे हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये दूसरा पार्ट है, तीसरे चौथे पांचवें पार्ट में और भी अलग अलग पार्टीशन वगैरह है रामधाम में, उनके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। देखिए गणपति बप्पा की है, अलग अलग साइज में, अलग अलग आकृति में, अलग अलग कलाकृति में, कितनी बेहतरीन मूर्तियाँ हैं। कुछ और भी देवी देवताओं की है यहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह, देखते ही बनती है, मन को मोह लेने वाली कृतियाँ हैं। देखते रहिए, वाह बहुत सुंदर। पुजारी जी मंत्रोच्चार भी करते जा रहे हैं और उन्होंने मुझे कुछ फूल दिया है, आप फूल चढ़ाते जाएं ऐसा उन्होंने कहा है। अब वे मुझे वैष्णो देवी माता की तरफ ले जा रहे हैं, वैष्णो देवी माता की गुफा की ओर ले जा रहे हैं। हल्का सा अंधेरा रहता है, थोड़ा एडजस्ट करिए आप, मैं उनके चल जा रहा हूँ पीछे पीछे, आप भी मेरे पीछे पीछे आइए। आगे माता वैष्णो देवी का है, डरने की ज़रूरत नहीं है, अब देखिए प्रकाश दिखाई देगा। यहाँ पर पुजारी जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं, देखिए जगमग जगमग धक 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 चमक रही है माता की चौकी। यहाँ पुजारी जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं, बहुत ही खास लगता है। आप जरूर आइए विद फैमिली, अपने दोस्त भाइयों के साथ में आइए, एंजॉयमेंट करिए। अब हम यहाँ से निकलेंगे तो काल भैरव जी के स्थान पे जाएंगे। लोगों ने अपनी मान्यताओं के लिए तरह तरह से पट्टियाँ बांध के रखी है, फीते बांध के रखे हैं, प्रणाम करिए काल भैरव जी को और ज़रूर 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 सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पहले वाले में भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा मत करिए ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मेरा मनोबल बढ़ता है भाई।